बिग बॉस सीजन 14 से तीनों सीनियर्स घर से बाहर जरूर निकल गए हों। जैसा कि आपको पता होगा कि 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं सीनियर्स को घर से बेघर हुए हुए, और ऐसे में कल गौहर खान का एक वीडियो सामने आया जो कि मैंने आपको चैनल पर दिखाया था। गौहर खान भी मतलब सिद्धार्थ के बारे में कुछ पूछती हुई नजर आ रही थी, और ऐसे में हिना खान, भाई गौहर ने इससे पहले एक ट्वीट भी करा था कि यार मुझे व्हाट्सएप पे कम से कम रिप्लाई तो कर दो, आप ट्विटर हैंडल पर एक्टिव हो तो वहाँ पर वो सब मैसेज था। हिना खान सिद्धार्थ को शाबाशी दे रही थी, हिना खान सिद्धार्थ का स्पेशली थैंक्स बोलती हुई नजर आई थी। मगर एक फिलहाल ट्वीट देखकर, वो ट्वीट जब सामने आया फैंस के, जो जितने भी सारे सिडनाजियंस हैं उन सभी को बहुत ज़्यादा उस ट्वीट के ऊपर गुस्सा आया कि आखिरकार क्या करें भाई, उस ट्वीट के ऊपर गुस्सा होते हैं, आखिरकार वो ट्वीट है क्या। चलिए इस ट्वीट के अंदर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, पढ़ के ये स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। यहां पर हिना खान लिखती हुई कहती हैं, विल मिस दिस टिगड़ी फॉरएवर, विल मिस दिस टिगड़ी फॉरएवर, थैंक यू सिद्धार्थ एंड गौहर फॉर बीइंग द वे यू आर, गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू गाइस, विल मिस आवर फन टाइम्स, लॉफ्टर, आवर क्यूट बेंटर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर टुगेदर एंड मच मोर, थैंक यू गाइस, बिग लव। तो ये ट्वीट जैसे ही हिना खान का सामने आया, अब इस ट्वीट के बाद ही फैंस के बीच में एक बड़ा घमासान मच गया, जिसमें फैंस जो है वो इस ट्वीट के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, और फैंस के रिप्लाई तो बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं कि हिना खान जो है वो सिद्धार्थ पर अपना क्रश दिखा रही हैं, हिना खान सिद्धार्थ पर ये कर रही हैं। हालांकि ये भाई बहन का रिश्ता बिग बॉस सीजन 14 के घर में लास्ट मोमेंट में ही हमें देखने को मिल गया था कि क्या पूरा सीन था, मगर हिना खान का इस ट्वीट को देखते हुए फैंस भड़क उठे, बिल्कुल भड़क गए फैंस बिल्कुल, और आगे यहाँ पर हिना खान को ट्रोल करने लगे। तो हिना खान का ये ट्वीट सामने आया सिद्धार्थ शुक्ला के लिए और साथ में गौहर खान के लिए, जिसमें वो सिद्धार्थ को और गौहर को मिस करती हुई नज़र आ रही हैं। फिलहाल बने रहो मेरे साथ अगली अपडेट्स के लिए भी, जैसी अपडेट सामने आती हैं मेरा काम है आपसे शेयर करना। जिन्होंने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे मिस ना हो सकें।